सत श्री अकाल, मैं हां किरण ते तुसी देख रहे हो हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी। लुधियाना दा पंचायत सकत्तर 5 साल बिना किसी सरकारी छुट्टी दे गैर हाजिर रहा, जिस नूं लैके संबंधित विभाग दे डायरेक्टर वालों कार्रवाई दी गल भी कही गई सी। शिकायतकर्ता सुखपाल सिंह गिल ने कहा कि उसने मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान नूं भी शिकायत कीती सी अते मुख्यमंत्री पंजाब वालों कार्रवाई दे आदेश भी दिते गए हन, पर कई महीने बीत जाण दे बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। उथे ही डीडीपीओ वालों कहा गया है कि उन्हां वालों जांच कीती जा रही है ते ओ बनदी कारवाई करनगे। इस मामले च शिकायतकर्ता सुखपाल सिंह गिल, जिला पंचायत अफसर नवदीप कौर अते राजविंदर सिंह ने की कहा, आओ जानदे हां। हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी दे लई लुधियाना तों रजिंदर अरोड़ा दी रिपोर्ट। गल इस तरह जी, मैं एक दरखास्त दित्ती सी 14/7/2023 नूं, जिहड़ी कि मानयोग वित्त कमिश्नर साहब नूं, डायरैक्टर साहब नूं, साडे डिप्टी कमिश्नर साहब नूं, वधीक डिप्टी कमिश्नर साहब जिहड़े विकास ने जिहड़े उन्हां नूं, ते जिहड़े मतलब साढ़े डीडीपीओ ने, इस तों इलावा डायरैक्टर विजिलेंस ब्यूरो नूं, साढ़े मतलब जिहड़े मंत्री साहब आ उन्हां नूं, ते मुख्य मंत्री साहब पंजाब नूं तकरीबन उन्हां दे मेल दे राहीं, मेल ते उन्हां दे मैं आ सबूत आ मेरे कोल, मैं दरखास्तां भेजियां सी। ते इहदे विच मसला इह आ वी इक राजविंदर सिंह पंचायत सैकटरी आ ब्लाक लुधियाना 2 तों, ओह बंदा मतलब 2011 दे विच उहने की कीता, साल 2011 दे विच उहने 2/5/11 तों लैके 30/4/16 तक विभाग तों छुट्टी मंगी सवे रुजगार वास्ते। ये चिट्ठी जदों उहने छुट्टी मतलब बी डी ओ संबंधित बी डी ओ नूं देती, उस टाइम हरदेव सिंह बी डी ओ बी डी पी ओ सीगे लुधियाना 2 दे विच, उहनां ने की कीता जी इहदी छुट्टी ते आ इहदा इक नाल मतलब सवे घोष पत्र कह दईए आ दित्ता उहने नाल। असीं उस तों बाद उहनां ने की कीता, जिहड़े हरदेव सिंह बी डी ओ सी उहनां ने इक पत्र, दो पत्र हरदेव सिंह वालों, तीजा पत्र सरदार रणजीत सिंह बी डी पी ओ साहब वालों, चौथा पत्र फिर सरदार रणजीत सिंह बी डी पी ओ वालों मतलब सरकार नूं डायरैक्टर साहब नूं भेजे गए भी इहदी छुट्टी प्रवान की जाए। उस तों बाद डायरैक्टर साहब ने अपने एक पत्र राही 18/1 तकरीबन 12 नूं राजविंदर सिंह की छुट्टी मतलब कैंसल करती, वह कहिंदे इहनूं 5 साल की छुट्टी नहीं दित्ती जा सकती, अडहाक कर्मचारी नूं नहीं दित्ती जा सकती। मतलब ये बंदा, उस तों बाद की होया जी, आ बी डी ओ रणजीत सिंह ने इहनूं पत्र जारी किया राजविंदर सिंह नूं बई तुरंत ड्यूटी ते हाजिर होवो, बई इह तुहाडी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। उस तों बाद फिर रणजीत सिंह ने ड्यूटी ते तुरंत हाजिर होने लई अगला पत्र जारी किया 19/4/12 नूं, बई ड्यूटी ते हाजिर हो भाई, तेरी छुट्टी प्रवान नहीं हुई। उस तों बाद राजविंदर सिंह नूं 5 साल बिना छुट्टी जिहड़ा सीगा बई उहदे संबंध च फिर संबंधित बी डी पी ओ वालों नवनीत जोशी वालों डायरैक्टर साहब नूं एक पत्र जारी किया गया बई आप जी दे छुट्टी दे हुक्म सानूं प्राप्त नहीं होए, दस्या जाए भी छुट्टी प्रवान की कि नहीं की। इहदे पत्र दे उत्ते डायरैक्टर साहब ने फिर पत्र जारी किया बई आप नूं इस 18/1/12 नूं असीं पत्र लिख चुके हाँ भी इहदी छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती। उस तों बाद ये बंदा लिख के दिंदा महकमे नूं बई मैं अडहॉक जिहड़ा कर्मचारी आ, बई जिहड़ा अडहॉक कर्मचारी आ मैं, बई मतलब मेरे मैं 19 तरीक नूं 2008 रैगूलर हो गया सी, बई 2008 मैं रैगूलर हो गया सी, बई जिहड़ी छुट्टी आ मेरी प्रवान की जाए इन्हें नाल दे हलफिया बयान भी लाया, आह हलफिया बयान, हलफिया बयान तों बाद उस समय के हरमनदीप सिंह बी डी पी ओ ने इहदी दुबारा दरखास्त ते हलफिया बयान नूं सरकार नूं भेजता भी इहदी छुट्टी मंजूर की जाए। उस तों बाद जदों महकमे ने जदों ने भेजा तां महकमे ने डायरैक्टर साहब ने एक पत्र जारी किया 2380/28/3/16 नूं, उन्होंने संबंधित बी डी पी ओ उस अंदर बी डी पी ओ तो पूछा भी की यह जिहड़ा कर्मचारी आ इस समय छुट्टी ते चल रहा जां नहीं, की यह कर्मचारी दी विभाग के पत्र नंबर 20/5/15 राही कर्म छुट्टी नामंजूर की गई सी, इस समय दौरान कर्मचारी ड्यूटी ते हाजिर है, उन्होंने पूछा। तो हरमनदीप सिंह बी डी पी ओ जिहड़े उस समय मौजूदा सी उन्होंने लिख के सरकार नूं भेजता, डायरैक्टर साहब नूं भेजता भी श्री राजविंदर सिंह पंचायत सकत्तर इस समय ड्यूटी ते हाजिर नहीं है जी। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ 2011-16 ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ 2/5/16 ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2/5/16 ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀ ਡੀ ਓ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀ ਡੀ ਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਡੀ ਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ,
वो संबंध में उन्होंने अपने दफ्तर के पत्र नंबर 903-25-16 लिखा कि भी ये जो कर्मचारी है ड्यूटी पर हाजिर नहीं है भी जो जो कर्मचारी तो हाजिर नहीं है जो जो तू लै ही चुके हाँ पर उन्हें जदों ये ड्यूटी पर 2-5-16 हाजिर हो गया तो हरमनदीप ने सरकार तो लकोर रख के सरकार ने दसा भी ये 5 साल गैर हाजिर रहा हाजिरी रिपोर्ट सरकार को भेजती बिना गैर हाजिरी दसे बिना सरकार तो कोई सीध ले इन ड्यूटी ज्वाइन करा ली ए लिखता भी यह बंदा ड्यूटी पर हाजिर हो गया जी मतलब डायरैक्टर साहब के एक पत्र दे एक पत्र का इन्हें 2 पत्रों से रैफरेंस देता एक च गैर हाजिर साबित करता एक च हाजिर साबित करता ए हरमनदीप सिंह की चुस्ती आ विभाग ने की हुई एक गैर हाजिर कर्मचारी मतलब जिन्हें हाजिर कराया उस तो बाद फिर मैडम जसवंत कौर 2017 के लिखते महकमे फिर चिट्ठी लिखते ये लिखते भी कर्मचारी की जी छुट्टी आ राजविंदर सिंह की 2-5-11 तो 30-4-16 तक मंजूर की जाए देखो 11-16 चिट्ठी लिखी जाती आगे 17 च जदों के वह बंदा 5 साल गैर हाजिर रहने तो बाद ड्यूटी पर आ चुकया सी उदू बाद आज फिर 17 चिट्ठी लिखी जाती है उस तो बाद आ चिट्ठी आ ये राजविंदर सिंह जिहड़ा वा भी फिर छुट्टी मंजूर करने वास्ते महकमे लिखा जाता ठीक है उदू बाद डायरैक्टर साहब फिर पत्र जारी करते उन्होंने डायरैक्टर साहब पत्र जारी करते हैं 5-7-17 बी यदि जी छुट्टी आ भी इस कर्मचारी मिति इन्ने तो इन्ने तक छुट्टी पर रहा ज बारे तुरंत इस दफ्तर में जानकारी दी जाए तो देखो एक जसप्रीत कौर वीडियो ने जसप्रीत कौर वीडियो ने देखो सरकार ने एक धांधली की वह कहती जी ये बंदा 2-5-11 तो लैके 30-16 तक बिना तनखा छुट्टी पर रहा है छुट्टी तो है ही नहीं सी छुट्टी तो उसकी सरकार ने कैंसल करती सी मतलब कि कुल मिला के जिन्हें लुधियाना जो 2011 तो लैके 2023 तक लुधियाना ब्लाक 21 वीडियो रहे ने 21 वीडियो तैनात रहे ने 21 वीडियो के बच्चों चलो 11-16 तक तो तनखा नहीं दी किसी ने पर जदों ये बंदा 2-5-16 ड्यूटी ज्वाइन की इन्हें यह बंदा 2016 तो लैके 2023 तक ड्यूटी तो फिर गैर हाजिर रहा उस समय दौरान 16 वीडियो ब्लाक लुधियाना 2 के तैनात रहे 16 तो 16 ने एक गैर हाजिर कर्मचारी तनखाह दित्तियां गैर कानूनी तरीके नाल आ वीडियो की लिस्ट आ मेरे को मौजूदा वीडियो आ सिमरत कौर हुण जदों मैं अपनी तनखाह के संबंध में DDPO साहब को आना उन्होंने पुछदा भी तुसीं मेरी तनखाह ते की कार्रवाई की तो वह कहें जी मैं नोटिस जारी किया सिमरत कौर BDPO सानू रिकॉर्ड नहीं दे रहे रिकॉर्ड नहीं हर बार यही कहानी होंगी हूँ 6 तरीक उन्होंने फिर पाई है 6 अक्तूबर हूँ मैनू नहीं लगता भी इतने कोई इंसाफ मिलेगा ये संबंध में तो हूँ मैं जो DDPO साहब दफ्तर के DDPO साहब मिलकर निकल रहा है तो राजविंदर सिंह बाहर आ के मैं धमकियां दिता तेनों असं आह कर देंगे तेनों असं आह कर देंगे हूँ तुम मैं दसो बई जे मैं एक गलत बंदे की करप्शन एक मिली भुगत अफसरशाही मैं सामने ले आँगी तो कि हूँ मैं धमकियां दूगा कि मैं मान साहब को पुछना चाहना साढ़े DDPO दफ्तर के बिल्कुल बाहर बरांडे धमकियां दित्तियां नाल एक बंदा होर सीगा इन्होंने मैं नजायज़ धमकियां दित्तियां जबकि उन्होंने एक सिर्फ सच सामने लियाउण पिछे ठीक है जी ये आ हालात ने साडे मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता कौन आ पर ये संबंधी मतलब धमकियां दी कोई कंप्लेंट दोगे देखते हूँ करते हैं जी मैं भाई चन्न रह करदा जी बिल्कुल देंगे जी तो एक मैं तुम्हें होर सच्चाई दसना चाहना इस मसले के संबंध के मैं 15-7-23 साढ़े मंत्री साहब सरदार लालजीत सिंह भुल्लर जी ने उन्होंने उन्होंने नंबर 98-740-407 98-770-7722 लालजीत सिंह उन्होंने PA ने 95-010-015-43 15-7-23 29-8-23 28-9-23 3 वार डिटेल दरखास्त भी भेज चुके हैं मैसेज लिख चुके हैं पर भुल्लर साहब वालों भी इस करप्ट अधिकारियों के खिलाफ इन्हों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई मैं ये मांग करदा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग साढ़े मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग लालजीत सिंह भुल्लर जी तो मतलब साढ़े मंत्री साहब तो यह मांग करते हैं भी देखो लुधियाना 2 के एक बड़ी करप्शन हुई आ एक गैर हाजिर कर्मचारी तनखाह दित्तियां गई ने भी जे अजिहा करप्शन लुको अज अफसर लुकाउण च कामयाब होंगे तो फिर कितों इंसाफ मिलेंगे सो मैं सर पंजाब सरकार तो उम्मीद करदा कि इस केस की इनकुआरी है जी विजिलेंस तो बड़े किसी सीनियर अफसर तो कराई जाए तो कि तथ्य सामने आने तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए मेरा नाम राजविंदर सिंह पंचायत सकत्र ब्लाक लुधियाना 2 राजविंदर जी थोड़े उत्ते इल्जाम लग रहे हैं कि तुम अपने अहद्या ना रहने के बावजूद भी तनखा ला रहे हो
और तुहाडे वल्लों छुट्टी पाई गई सी उस छुट्टी नूं ना मंजूर किया गया तो तुसीं उस तों जिहड़ा हुक्मां दी उलंघना करदे हुए बाहर विदेश चले गए। सर सब तो पहला की एक सरकारी मुलाजम विदाउट गवर्नमेंट परमिशन विदेश का वीज़ा लै सकता है? ले ही नहीं सकता, वीज़ा मिल ही नहीं सकता, किसी भी कंट्री का वीज़ा मिलेगा नहीं विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। सारिया अप्रूवल्स मेरे को है, ये तो करंट अपना मेल हो गया तो मैं तुहानू अप्रूवल दिखा नहीं सकता, बट है मेरे को विदाउट अप्रूवल वीज़ा नहीं लगता। नहीं मैनू नहीं पता आर टी आई की रिपोर्ट है, या आर टी आई की रिपोर्ट उन्हें मेरे बारे कोई परसनल इन्फॉर्मेशन मंगूगा तो वो जवाब नहीं दिता जाऊगा। आर टी आई डिपार्टमेंट देखे ये जवाब देना उन्होंने या नहीं देना। डायरेक्टर की जी चिट्ठी है इस अलावा सर आर टी आई कि खत्म होगी जे उन्होंने हेठले दफ्तर ने आर टी आई का यही गल कह के कि ये परसनल इन्फॉर्मेशन साझी नहीं की जा सकती यदा जवाब नहीं दिता जा सकता तो उपरले अफसर को जाके जवाब लै सकता है। छुट्टी पा के गए 100% मैं छुट्टी पा के गया विदाउट छुट्टी मैं जा किमें सकता किस अरसे की गल कर रहे हो? सर मैं 7 दिन विदेश लगाए ने, मतलब कि इसे अरसे की गल कर रहे हो या किसी होर अरसे की गल? 5 साल मैं 2011 तो लैके 2016 तक छुट्टी मंजूर करवा के गया हाँ। उस तो बाद कोई क्लैरिकल मिसटेक सी कि मैनू नहीं पता, डिपार्टमेंट का इंटरनल मैटर आ, मैं ना उस समय की कोई तनखा मैनू दी गई है ना मैनू उस समय का कोई सर्विस वादा दिता गया, मैनू सर्विस वादा और तनखा मैनू मैं कोई भी वह एक पैसा भी मैनू नहीं मिलया। वो डिपार्टमेंट का मसला, डिपार्टमेंट किमें हैंडल करता किमें नहीं, ठीक है। डी डी पी ओ ने भी इस मसले जानकारी दी, उन्होंने क्या शिकायत आई है तो कितना कितने थोड़ा बहुत सानू जो तथ्य सामने आए उस सामने आया कि थोड़ी जी गैरहाजिरी रही है। सर वो गैर हाजिरी होवे या ना उहदे बारे च डिपार्टमेंट कोई भी एक्शन लै सकदा, मतलब जे तुसीं इह कहो कि मैं उस मसले की तनखा लै की या मैं कोई सर्विस वादा लै लिया इह जिहा तां मैनूं कुछ मिलिया नहीं, जे मैनूं मिलिया है या मेरा रहिंदा पेंडिंग तां मैं तां आप मंग करूँगा मीडिया के थ्रू मैनूं दिता जावे, जो कि मैनूं एक पैसा नहीं मिलिया जिस समय की मैं छुट्टी कट्टी है। बाकी बच्चे जे मैं कोई हफ्ता 10 दिन तक कितें मैं विदेश जा सकता, मैं एक सरकारी मुलाजम हाँ तो मैं क्यों नहीं जा सकता? छुट्टी लैके मैं जा सकता, मैं गया है